नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। साथ ही आप लोगों ने कमेंट करके काफी ज्यादा हमें बोला है कि शोकेस कैसे बनाएंगे, तो शोकेस मैं जो बनाने जा रहा हूँ एक सिंपल सा है, काफी अच्छा लगने वाला शोकेस है। इसमें एलईडी फिट कर देंगे। तो किस तरीके से मैंने इस शोकेस को इंस्टॉल किया, इस तरीके से आप देख लीजिए। मेरे पीछे बना हुआ ये शोकेस, और काफी ज्यादा आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला है कि शोकेस को किस तरह बनाते हैं, और मैं तुम्हें पूरा नाप के बता देता हूँ किस तरीके से मैंने इस शोकेस को कंप्लीट किया है। और अभी कंटिन्यू काम चल रहा है, लास्ट फाइनल होने तक मैं इसको बनाकर आपको ये वीडियो कंप्लीट दूंगा। अगर वीडियो हमारी लंबी हो जाती है तो वीडियो में लगातार बने रहिए दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना साथियों, क्योंकि शोकेस जो बनने वाला है इसमें एलईडी कॉप जैसे मैंने बना दिया है, और किस तरीके से बनाया वो मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ साथियों। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है, आप इसकी लंबाई चौड़ाई सबसे पहले निकालेंगे। इसके बाद ये जो बोर्ड है, हमें सबसे पहले करना क्या है साथियों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया है कि छोटी सी क्लिप, ये बोर्ड की जो फिटिंग है हमने पहले सबसे पहले क्या किया है, ये 5 इंची चौड़ा और इस बोर्ड को पहले प्रॉपर तरीके से इस तरीके से इंस्टॉल किया है, ठीक है। इस तरीके से इसको लगा दिया है, इसमें जो है यहाँ पे पेच लगाए थे, पेच लगा देने के बाद हमने ये ऊपर से इसको लगा दिया है। अब इसमें हमने किया कैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसा कि आप इसे देख रहे हैं, ये इस तरीके से मैंने इसको लगाया, और इसके भीतर मैंने इसकी जो मोटाई है ये मैंने डबल बोर्ड कर दिया है। डबल बोर्ड करने का मतलब ये है कि इसकी जो मोटाई है, तो जैसे कि मैंने इसको 1.5 इंची रखा है और इसकी मोटाई डबल, इसकी मोटाई मैंने डबल क्यों की है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मैं अभी फिलहाल ये बता देता हूँ, इसकी जो चौड़ाई है ये 4 इंची में है। तो हम आपको नाप के बता देते हैं कि दोस्तों इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंची में है, और इसकी जो मोटाई है वो 1.5 इंची है, और अंदर की जो लकड़ी लगाई है हमने भीतर में ये भी 1.5 इंची है। और ये हमने क्यों लगाई है हम आपको बता देते हैं, इसको इस तरीके से यहाँ लगा देंगे। तो दोस्तों आपने देखा ये मैंने यहाँ इस तरीके से लगा दी है, वैसे ही मैं इसे एक और लकड़ी है आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पूरा खाली पड़ा हुआ है, इसको मैं इस तरीके से बनी हुई है ये भी 1.5 इंची में, इसे भी यहाँ इस तरीके से मैं लगा देता हूँ। तो आपने देखा जैसे कि मैंने इसको पूरी तरह से लगा दिया है, तो अब आपको बता देते हैं अंदर से ये 4.5 इंची इसकी जो चौड़ाई है, अंदर की चौड़ाई वो 4.5 इंची के हिसाब से पूरा बन के आ रहा है, और आप देख रहे होंगे ये कॉप बना हुआ है पूरा, आप इसे अंदर से देख सकते हैं ये कॉप बना हुआ 1.5 इंची का आप। और ये हमने इसलिए बनाया कि इसके अंदर अब हम यहाँ पे एक एलईडी लगाने वाले हैं, ये ट्यूब लाइट जो है यहाँ लग जाएगी साथियों, और ये काफ़ी ज़्यादा उज्जवलता करेगी, काफ़ी अच्छा लगेगा शोकेस बन के, और यहाँ एक सीनरी बना दी जाएगी, फ़ोटो लगा दिया जाएगा। तो अभी आपको इतना सिंपल लग रहा है क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि माइका नहीं लगाई हुई, क्योंकि ये 1.5 इंची एक्स्ट्रा है। अभी आप थोड़ा सा पास में जाएंगे तो अंदर का जो सीन है वो दिखेगा। इसमें ग्रीन कलर की माइका मैंने अंदर की तरफ लगा रखी है, ये आप देख पा रहे हैं, ये ग्रीन कलर की माइका अंदर लगा रखी है, और ये 1.5 इंची जो है बाहर निकाल रखा है इधर से। तो साथियों ये वायर जो मैंने लटका रखा है, ये वायर इसीलिए लटका रखा है क्योंकि ये जो एलईडी, ये एलईडी वाली रॉड है, इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से अंदर की साइड पे लगा दूंगा, ये यहाँ पे ये इस तरीके से ये अंदर लग जाएगी। तो यहाँ लगेगी तो इधर जो है सामने एक काफी अच्छी सीनरी लगा दी जाएगी, और ये इसलिए लगाई जा रही है कि इस पर फोकस बना रहे, जो लाइट है वो इस पर प्रॉपर तरीके से पड़े। तो इस तरीके से मैंने इसको दे दिया है और चारों तरफ से कॉप बना दिए। अब आप थोड़ा सा और वेट कीजिए ये कंप्लीट होने तक, और कंटिन्यू वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों। तो साथियों यहाँ पे ग्राइंडर हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि वो कहीं कहीं से ऊपर रह जाता है या उठा हुआ रह जाता है, या कहीं से कील चौबे अगर उठे हुए रह जाते हैं तो ग्राइंडर लगाने से दोस्तों सारा का सारा लेवल एक जैसा हो जाता है। लेवल एक जैसा इसलिए करते हैं जिससे कि मायका लगाने में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, मायका में डबक ना बने, मायका बिल्कुल एक जैसी लगे। मायका में डबक बन गई तो मायका टूटने का डर रहता है, और मायका के जो जॉइंट होते हैं वो जॉइंट प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाते, इसलिए दोस्तों हम लोग ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें रेगमाल लगा हुआ होता है और इससे कि पूरा प्रॉपर तरीके से एक सा हो जाता है, इसलिए हम लोग रेगमाल ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं।
दोस्तों आप इसे फेविकॉल से भी चिपका सकते हैं और हम जो है हीटेक से चिपका रहे हैं। हीटेक से छोड़ा ये है कि जल्दी चिपक जाता है, फेविकॉल से थोड़ा समय लगता है चिपकाने में और टेप लगाना पड़ता है। अभी हम हीटेक से चिपका देंगे, इसके बाद तुरंत काम करना शुरू कर देंगे, चैनल वगैरह लगाना शुरू कर देंगे, इसीलिए हम लोग हीटेक से चिपका रहे हैं। मायका जो है अभी लग चुकी है यहाँ पे और थोड़ा सा काम और बाकी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें प्रॉपर भीतर भी मायका लगा रखे दी है हमने। इसमें क्या है कि बोर्ड वगैरह और लकड़ी जो भी लगाई है हमने वो कुछ नहीं चमकेगा, इस तरीके से आप देख रहे हैं। इस तरीके बोर्ड पे मैं पूरी मायका लगा के दे रहा हूँ। इससे क्या है कि एक अच्छा, बहुत अच्छा लगता है और ऐसा नहीं लगता कि कहीं से बोर्ड दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे तो ऐसा नहीं लगेगा। इसके लिए चारों तरफ से हमने ये मायका लगा दिया, अभी कंप्लीट होना बाकी है, बस देखते रहिए वीडियो को। जैसा कि आपने कंटिन्यू देखते रहे हैं, लगातार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, बारी बारी से मैं बारी बारी से मैं समझा रहा हूँ आपको कहाँ कहाँ से कैसे आपको करना है। तो जिस तरह की मैंने इस बॉर्डर को लगा दिया है, बॉर्डर को फिक्स करने के बाद पहले अंदर की मायका लगाते हैं। अंदर की मायका लगाने के बाद आप इस मायका को लगा सकते हैं, अगर इसको नहीं तो इसको पहले लगा देना, इसको भी लगा सकते हैं, दोनों में से किसी एक मायका को लगाने के बाद। अभी आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैंने अंदर की तरफ और ये सारी मायका लगा दी है तो आपको कितना अच्छा लग रहा है, दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, मैं आपको प्रॉपर अभी बस कंप्लीट होने ही वाला है थोड़ी देर में, बट मेरी वीडियो को दोस्तों कंटिन्यू देखते रहना क्योंकि अब थोड़ी सी ही देर में आपका ये शोकेस हो जाएगा कंप्लीट। बट अभी ये दीवार पे पेंट होना भी बाकी है, पेंट भी हो जाएगा कुछ ही देर में, और पेंट होने के बाद आपको पूरा वीडियो देंगे हम। बस हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए दोस्तों, कितना सुंदर कितना अच्छा ये शोकेस लगने वाला है इससे आगे अभी, और इसके अंदर एक सीनरी भी छपने वाली है जो कि थोड़ी देर में आपको दिख जाएगी। तो आपको ये चैनल किस तरह काटना है ये भी हम आपको समझा देते हैं। पहले आपको चैनल के इस तरीके से रख लेना है, रखने के बाद आपको अंदर से पेंसिल से निशान ले लेना है, अंदर से इस तरह से पेंसिल से निशान ले लेना है। इसके बाद आप पेंसिल से निशान ले लेंगे तो जो हमारा करन काटना जो फरमा है वो तो फरमे पर वापस लाएंगे, यहाँ नीचे रखेंगे, और इस वाले फरमे से आपको ये करन को काटना है, क्योंकि इस फरमे से काटने से एकदम सीधी एकदम बढ़िया करन कट जाएगी दोस्तों। दोस्तों करन काटने के लिए आपको ये लोहे का ब्लेड, जो लोहे काटने वाला ब्लेड होता है, आपको इसको इस्तेमाल करना है और इसी से आपको करन को काटना है। करन काटते वक्त सावधानी रखें, ब्लेड टूटे ना, और बड़े आराम से और सीधी करन कटनी चाहिए। एकदम फिक्स और एकदम बढ़िया करन मिलने वाली है और काफ़ी अच्छी तरीके से करन मिल जाएगी। चैनल को लगाने के लिए आपको सबसे पहले 3 इंची का चोगा की जरूरत पड़ेगी, और इसके अलावा आपको एक ऐसा बोल्ट चाहिए इसमें लगाने के लिए। इसके अलावा आपको 1.5 इंची 17 नंबर मत्थे वाले चोगे की जरूरत पड़ेगी, और इसका क्या काम है पहले हम इसे छेद कर लेंगे। इसमें छेद करने के बाद इस कील को लगा देंगे, और कौन सी तरह में लगाना इसको, इससे क्या है कि हम पूरा ठोक देंगे ऊपर की तरफ। इसका ध्यान रखना हमेशा, आपको ये लेवल में ही रखना है, इसको इधर उधर नहीं करना है, और इससे ठोकने से क्या है कि पूरा पूरा एकदम अच्छे से कील अंदर तक दब जाती है। आ रहा है, मत निकल, मत जाओ।
यार बनी ना वीडियो तो सेकंड ना चलती दिखे। दोस्तों आपको ये चैनल इस तरीके से फिट कर देना है, ऊपर वाली और दोनों साइड वाली चैनल को पहले ही फिक्स कर देना है, और ये नीचे वाली जो चैनल है इस वाली को आप फोल्डिंग रखेंगे। और फोल्डिंग रहने का रीजन ये है कि अगर आप शीशा खड़ा करते हैं तो थोड़ा आसान होता है शीशा को लगाना, तो आपको ये दोनों फिक्स करके और ओवरऑल फिक्स करके ये फोल्डिंग रख देना है, जिससे कि आप इसे इस तरह रखेंगे और शीशा लगाने में आसानी होगी। बस कुछ ही देर में आपको शीशा लगा के दिखाने वाले हैं दोस्तों, वीडियो पे बने रहिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा ये सीनरी लगाने के बाद शोकेस हो गया कंप्लीट, और ग्लास हमने लगा दिया, बाबा साहेब की मूर्ति लगा दी इसके अंदर। और मैंने पिछली बार आपको दिखाया था किस तरीके से इसको बनाना है, बनाने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर एक ट्यूबलाइट लगा दी गई है, ट्यूबलाइट में अभी जगह जला के दिखाऊंगा, और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये शोकेस। अगर एक तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा ये ट्यूबलाइट लगी हुई है, और ट्यूबलाइट जलेगी तो काफ़ी सुंदर लगेगा, तो मैं ट्यूबलाइट को जलवा देता हूँ। तो आपने देखा ये ट्यूबलाइट जल गई है, और ट्यूबलाइट जो है काफ़ी रोशनी कर रही है इसके अंदर। आप यहाँ पे चाहें जैसी भी सीनरी लगा सकते हैं, ताजमहल भी लगा सकते हैं, लाल किला भी लगा सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वो सीनरी लगा सकते हैं। यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगा दी गई, बाबा साहब की सीनरी लगा दी गई है, और काफ़ी ज़्यादा तो सुंदर लग रहा है। तो शोकेस हमारा कैसा लगा, आपको अच्छा लगा शोकेस, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते दोस्तों ऐसी कोई अगली वीडियो। नमस्कार दोस्तों, गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।